हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरियारी में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही, चोरों का हुआ हौसला बुलंद। सिरियारी बस स्टैंड पर सैलून की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। प्रेमराज सेन के सैलून में रात को दुकान का ताला तोड़कर गल्ले से 45,000 रुपए चुराकर साथ ही चोरों ने दुकान का ताला साथ लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रेमराज सेन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस कर रही है जांच। वहीं आज 11 बजे दिन दहाड़े चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सिरियारी थाना क्षेत्र के बेरा गिरावा में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सोने बेरे पर धावा बोला। कष्टकार प्रताप कुमार पुत्र मांगीलाल प्रजापत जो इस बेरे पर करीब 30 साल से कष्टकारी कर रहा है, जो गरीब परिवार से कष्टकार है, बेरे से अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े घर के पीछे से दीवार पर चढ़कर दो कमरों के लोहे के सरिया से ताला तोड़कर अंदर रखे सामान को भी बिखेर कर कमरे के अंदर रखे लोहे का बक्सा और ताला तोड़कर उसमें से 65,000 नगद चुराया। बक्से के अंदर पड़े चांदी का कंदोरा 550 ग्राम और 250 ग्राम चांदी के जोड़े चुरा कर ले गए। घर वाले खेत में तली फसल की कटाई के लिए गए हुए थे। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी कर इस प्रकार सिरियारी थाने की रात और दिन दहाड़े चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं, चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। जब पापा खेत से वापस आए तब घर में पूरा बाहर का लॉक लगा था, अंदर का लॉक तोड़ के अज्ञात चोरों ने पूरा लूट मार किया और 65,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात ले गई। और बाहर एक बाइक थी, उसके ऊपर कुर्सी लगी थी, कुर्सी वाले थे और वो लोग भाग गए। जब पापा अंदर आए गेट खोल के तो अंदर से थोड़ा आवाज़ आया था, आवाज़ आके फिर पापा को आवाज़ सुन के वो लोग भाग गए, फरार हो गए। मारवाड़ जंक्शन से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।